बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरना में बाल विकास विभाग के तत्वाधान में निर्भया फंड के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से बेटियों को उनके अधिकारों के साथ ही कानूनी जानकारी और केंद्र पोषित निर्भया फंड योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। बाल विकास विभाग के इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया गया, जिससे बालिकाओं में काफी उत्साह रहा। इस समय समाज में एक बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि हमारी जो ये बालिकाएं हैं, ये बच्चियां हैं, ये आगे हमारी ही भविष्य के लिए हमारी कर्णधार हैं और यही हमारे भविष्य को, हमारे समाज को आगे लेकर जाएंगी। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला समाज की रीढ़ है, लोगों को महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इस कार्यक्रम के जरिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि हमें बेटियों को आगे पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश का आधारभूत स्तंभ है। अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमें यहाँ यह सीखने को मिल रहा है कि हम अपनी बेटियों यानी हम अपने आप को कैसे खुद बचाएं और दूसरों को भी जागरूक करें कि हम सब मिलकर कार्य करें और अपने देश को विकसित देश बनाएं। हमको पता है कि वह देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता जिसमें महिलाएँ पढ़ी लिखी ना हो, इसलिए हमें इस अभियान से हम पता चल रहा है कि हमें अपने देश की महिलाओं को आगे बढ़ने की ओर आगे अग्रसर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वहीं महिलाओं का उत्पीड़न होने पर उनके लिए सरकार द्वारा एक छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान किए जाने पर वन स्टॉप के प्रबंधक ने बताया कि जिले में वन स्टॉप की स्थापना हो चुकी है, जिसमें महिलाओं को 7 प्रकार की मुफ्त सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें चिकित्सा के साथ ही कानूनी सहायता और अस्थायी रहने की व्यवस्था भी मौजूद है। सर, जो यहाँ पर निर्भया फंड के तहत जो योजना चल रहा है, इसमें महिलाओं और किशोरियों बेटियों दोनों के लिए जो है सुरक्षा योजना कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत जो आजकल एक जो भी महिलाओं में या किशोरियों में जो भी उत्पीड़न के केस होते हैं तो उनको उनकी सुरक्षा करना है, चाहे टाइकांडो के माध्यम से, चाहे उनकी आत्म सुरक्षा किस तरीके से हो जिससे अपना वो बचाव कर सके और समाज में जाके अपना एक हक या अपना मतलब अपना कोई भी लक्ष्य हासिल कर सके। गौरतलब है कि वर्तमान में बेटियों का लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही समाज को बेटियों के प्रति अपनी विकृत मानसिकता को त्याग कर बेटियों के प्रति सकारात्मक नजरिया भी अपनाना चाहिए। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।